एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास 12th साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड है, इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है तो उस प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रकाश फास्फोरिलीकरण की डेफिनेशन नोट करेंगे। तो लिखेंगे, हरित लोट में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा यानी क्लोरोफिल में, हरित लोट में क्लोरोफिल में क्या होता है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा संश्लेषण प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। अब जो फास्फोरिलीकरण है ये दो प्रकार से होता है, फास्फोरिलीकरण दो प्रकार का होता है, एक इसमें चक्रीय फास्फोरिलीकरण और दूसरा कौन सा है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण वह अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो इसमें चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, जो प्रकाशित केंद्र होता है वह प्रकाशित केंद्र के जल किरणों का अपघटन करता है और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है वह क्या विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हुए वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। जैसे पहले इसमें आयरन सल्फाइड ग्रहण करेगा, उसके बाद में फेरोडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और लास्ट में क्या वही प्रकाशित केंद्र पर आ जाता है। इस कारण इसे चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा। और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विभिन्न पथों से गुजरते हुए वापस उसी स्थान पर नहीं आते हैं, ये दूसरे प्रकाशित केंद्र पर चले जाते हैं, इसलिए इसे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में अपने नोट करेंगे, कहा गया अभिक्रिया का केंद्र।
अभिक्रिया केंद्र, यानी ये 700 वाली तरंग दैर्ध्य होती है उसका अवशोषण करता है। यहाँ फोटोन ने क्या प्रकाश को भेजा और जो सहायक कण है ये विभिन्न कण है ये इस ऊर्जा का अवशोषण करके इसे प्रकाशीय केंद्र में पहुंचा देते हैं और ये प्रकाशीय केंद्र है 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करके जल का प्रकाशीय अपघटन करता है। और जब जल का प्रकाशीय अपघटन होता है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर जो आयरन सल्फाइड प्रोटीन्स है FeS, ये आयरन सल्फाइड प्रोटीन क्या करती है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर आगे दूसरे ग्राही पथ में फेरिडोक्सिन, ये दो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं Ft प्रोटीन में यानी फेरिडोक्सिन प्रोटीन में चले जाते हैं। फिर फेरिडोक्सिन प्रोटीन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आगे किस में भेज देती है साइटोक्रोम बी सिक्स में। फिर साइटोक्रोम बी सिक्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आगे किस में भेजती है साइटोक्रोम एफ में। फिर साइटोक्रोम एफ है ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को प्लास्टोसाइनिन में भेज देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन किस में चले गए फिर आगे ये प्लास्टोसाइनिन में चले गए। प्लास्टोसाइनिन है ये लास्ट में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को वापस कहीं कहां छोड़ देता है जो विक्रिया केंद्र है उसी में लाकर छोड़ देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पर आ जाते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो यहां चक्रीय फास्फोरिलीकरण में एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है वो साइटोक्रोम बी सिक्स और साइटोक्रोम एफ के बीच में होता है। एटीपी है इसमें एक फास्फेट कण जुड़ेगा तो एडिनोसिन डाइफास्फेट है ये किसमें बदल जाएगी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में बदल जाती है। तो ये कौन सा है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और चक्रीय फास्फोरिलीकरण इसे क्या कहते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में इस तरह से इलेक्ट्रॉन है विभिन्न ब्रांचों द्वारा गुजरते हुए वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं और एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद में है एच क्रिय फास्फोरिलीकरण में क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न पथों से गुजरते हुए फिर आगे दूसरे प्रकाशीय केंद्र पर जाकर रुक जाते हैं तो उसे एच क्रिय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। और इसमें क्या दोनों ही प्रकाश तंत्र काम में आते हैं एचक्रिय फास्फोरिलीकरण। एचक्रिय फास्फोरिलीकरण में क्या होगा प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं इसमें प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों भाग लेते हैं। अब इसमें दोनों भाग लेते हैं तो सबसे पहले इस विक्रिया में 680 द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये 680 पर ही वापस नहीं लौट कर आते हैं। इस विक्रिया में P680 द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन P680 पर लौट कर नहीं आते हैं
नहीं आते हैं वे क्या आगे पी 700 पर जाकर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते हैं इस गाड़ी से, इसे एच क्रिया फास्ट फॉरवर्डीकरण कहा जाता है। एच क्रिया फास्ट फॉरवर्डीकरण कहा जाता है। ऊर्जाओं की सहायता
कार्बन वाली थी, इसलिए इसे कैलिन बेंजीन चक्र या C3 चक्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको इसमें जितना पढ़ाया उसे नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।